अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं छत के ऊपर आ चुका हूं। शाम का टाइम हो रहा है, बाकी ये बच्चा आया कबूतर देखने। तो गाइस, बाकी गाइस ये जो कल पट्ठा चला गया था ये ले आए वापस, और बाकी कबूतर सारे मस्तियों में हैं, घूम रहे हैं। इस कबूतरी ने भी अंडा दे दिया, चेक करिए, पट्ठा वापस ले आए। बाकी गाइस इसके अपर बांध दिए, अब ये बंधा ही पड़ा रहेगा 10 दिन पूरा, पर बंदे फिर से खोलेंगे। बाकी इधर भी कबूतर को दाना डाल दिया, सब खाए पिए बैठे हैं, इधर भी डाल दिया। और मैं सोचा वीडियो बना लूँ, मैं सारे बंद कर चुका हूँ खोल खोल के, सब खोले और बंद कर दिए कबूतर, सब घूम फिर के बंद हो गए सारे, दोनों जाल के खोले हुए थे कबूतर, तो सारे घूमे फिरे और चले गए अंदर। बाकी आपको इधर दिखाता हूँ थोड़ा बस सीन, ये कपड़ा बांधा हुआ है धूप की वजह से। बाकी गाइस आपको इधर दिखाता हूँ, यहाँ पे गाइस कबूतर वबूतर सारे घूम रहे अपने, यहाँ पे ये बैठी कबूतरी वाली, और गई इधर भी अंडों बैठे, उधर उधर सब अंडों बैठे हैं। वो तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो में आपको दिखेंगे ही क्या सीन है, जब बनाऊंगा आप लोग जितने कमेंट करेंगे उतनी जल्दी बनाऊंगा। बहुत तगड़ी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही, बट ठट्ठे भी निकले हुए हैं, और आप लोग कॉमेंट करिए बस मैं बना दूंगा वीडियो। आप लोगों को कॉमेंट करने की देरी है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस की भी। और हम तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? तुम कुछ नहीं बोलना चाहते हो, फ्री फायर खेलते हो ना तुम? अजी मामू कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, वो देखो गाइस उधर भी कबूतर पले हैं, दो कबूतर है इस बंदे के पास। आपको फोकस कर लो, दिखाता हूँ फोकस, ये चेक करिए, एक चीना ही सी कबूतरी है और एक लाल चीना कबूतर है, ये इसकी बेटी है छोटी सी, ये चेक करिए। और आप लोग कमेंट में ये बताइए कि किसी और की छत पे जाके वीडियोस बनाए या नहीं। आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो किसी और की छत पे जाके भी वीडियोस बनाया करेंगे, मस्त तरीके से उनके कबूतर का भी शौक कराएंगे। जैसे काफ़ी लोग पाले हैं, जो भी 5-6 लोग पाले हैं उनके यहाँ, जैसे इधर एक बंदा पाले, इधर एक भाई, 2-3 भाई पाले हैं, आप जहाँ कहेंगे वहाँ वीडियो बनाएंगे। आप लोग बस एक बार कॉमेंट करिए तो किसी की छत पर जाके भी वीडियो बनाया करेंगे। बाकी गाइस यहाँ पर कबूतर वबूतर सारे अपने खा पी रहे हैं, इनको दाना वाना तो डाल दिया था, गर्दन तोड़ को भी खिला दिया था, ये कारा फिर चरावबंदी करने लगा है। इसको गाइस मैं कल एक्सचेंज कराऊंगा, इसके बदले कोई और कबूतर ले आऊँगा, इसको एक्सचेंज करके कोई और कबूतर ले आऊँगा, सही रहेगा। एक दो कबूतर और भी हैं, वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, अगर मैं गया तो आपको बता दूंगा कौन से एक्सचेंज करूंगा कबूतर, एक छोटीदार हो सकती है, और बाकी बता ही दूंगा कल मैं आपको अगर चेंज करने जाऊंगा। बाकी गाइस सारे कबूतर सब अंडे पे बैठे हैं लाइन से, पूरे इधर के पूरे खाने में समझिए अंडे, एक पेटी छोड़, दो पेटियां छोड़ के पूरे में अंडे बच्चे सब हैं। बाकी गाइस अपने चीने कबूतर के भी अंडे रखे थे, बच्चे बने अंडों में और मर गए, और गए कहाँ, पतंग उड़ रही। अच्छा तुम कबूतर, तो गाइस ऐसे ही इनके भी अंडे रखे थे। बाकी गाइस इंशाल्लाह आप डेली वीडियोस आया करेंगी, मज़ेदार थी। बाकी आप लोग ये कॉमेंट बताइएगा किसी के यहाँ जाके वीडियो बनाया करें या नहीं। और बाकी पट्ठा वापस ले आया था, एक बार फिर बता दें क्या कबूतर गया। तो गाइस बाकी ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो खींचते नहीं है, बाकी गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसी की छत पे जाके वीडियो बनाए या ना बनाए। और गाइस पट्ठा वापस ले आए हम लोग, सही है। बाकी गाइस अपने यहाँ जंगली कबूतरी भी अंडा देने वाली, हरे कबूतर से जोड़ा लगा है इसका। और गाइस बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और एक और चीज़ बता दूँ गाइस, काले के चेचक हो गई थी वो भी सही हो गई है, आग पे थी यहाँ पे वो भी सही हो गई गाइस। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो खींच नहीं रहा हूँ, और कमेंट करना ना भूला करिए, कमेंट में बताया करिए आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, उसी टॉपिक पे बनाया करेंगे गाइस। सपोर्ट दिखाइए, फिर अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएँ, मज़ेदार वीडियोज़ हैं, हाँ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।